छह जज साहबान ने इस मुल्क के निज़ाम को हिला के रख दिया। हुकूमत की दौड़ें, हुकूमत खतरे में, हुकूमत का बड़ा फैसला जिससे पूरी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, और पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान और वकला ने जजिस का ऐलान देते हुए सड़कों जदों का साथ देते हुए सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ब्रेकिंग आलम इसके साथ मैं फैसल सैयद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की किताबें आप से होंगे। नाज़रीन इकराम, छः जजेस ने इस निज़ाम को हिला कर रख दिया। इस निज़ाम को जिस तरह से लोगों के सामने एक्सपोज किया इमरान खान ने, अब वो जो बातें हैं वो सच्ची साबित होती जा रही हैं। इस निज़ाम को चलाने के लिए अदलिया एक सुतून की हैसियत रखती है। जज जहाँ जो इंसाफ बांटते हैं, अगर वो खुद अपने इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाज़े खटकाने शुरू कर दें, तो नाज़रीन इससे सवाल ये उठता है कि आम आवाम को इंसाफ कौन देगा। इन जजिस की आवाज़ें दबाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। मगर नाज़रीन, सड़कों पर फैसले होंगे, सड़कों पर अदालत लगेगी, किसने कहा बड़ा फैसला। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सब लोग इस बात पर परेशान थे कि हमारी अदलिया बहुत बड़े बड़े केसेस छोड़कर इमरान खान के केसेस में रातों रात जो है वो कैसे फैसले सुनाती है, और कई की केसों के एक एक दिन में इकट्ठे फैसले सुनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे फैसले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस पे अदम एतमाद का इजहार करती है पीटीआई। खान कहता है कि मुझे इस कोर्ट पे एतबार नहीं है, निचली कोर्ट पे खान कहता है, उनके वकला कहते हैं कि इन पे एतबार नहीं, ज़बरदस्ती उन्हीं अदालतों से फैसले कराए जाते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ज़बरदस्ती केस उनके केस सुनती है और उस पर फैसले भी सुनाती है। अब इन छह जजेस ने ये कहा है कि उन पर दबाव डालकर काम करवाया जाता है, यहाँ तक कि उनके जो बेडरूम्स हैं उन पर उनमें भी कैमरे लगाए गए हैं, उनके वाशरूम्स में भी कैमरे लगाए गए हैं, खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। ये इन मतलब है उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया गया, और जिससे तंग आते हुए इन सब ने मिलकर एक खत लिखा, और उस खत के नतीजे में जो भूचाल आया है, और जिस तरह से जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने फुल कोर्ट जो है उसका पहले इजलास बुलाया, फुल कोर्ट में अब ये फैसला होना था कि क्या किया जाए। मगर उससे पहले वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात ने इस मामले को ही मशकूक बना दिया। जैसा कि अब हुकूमत इन जजिस की मतलब जस्टिस साहिबान की जो शिकायत है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं सुनेगी, वो अदालतें भी नहीं सुनेगी। अदालत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसकी सरबराही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो भी नहीं सुनेगी। इसका फैसला सियासी लोग काबीना करेगी कि इन जजिस के साथ क्या किया जाए, इनकी शिकायत का क्या किया जाए। इन जजिस को बुलाया जाएगा, जस्टिस साहिबान को अब बुलाएंगे जनाब हमारे सियासी कायदीन, वो एक कमीशन बनाएंगे जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज करेंगे, जिसमें पहले से सवालिया निशान उठ चुके हैं, और फिर वो फैसला करेंगे क्या ये वफाकी काबीना या जो कमीशन बनाया जाएगा वो दूसरे फरीक को बुलाएंगे जिस पे सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो इनको दबाते रहे, मतलब है वो तो सीधा सीधा इल्ज़ाम एजेंसियों पे लगाते हैं। इस नतीजे पे कौन पहुंचेगा कि जिस पे वो इल्ज़ाम लगाए हैं उनमें से किसको बुलाया जाएगा। लगता यूँ है कि ये निज़ाम जो है ये चलने वाला नहीं है, इसलिए कि अगर आप मज़ीद गहराई में जाएंगे तो फिर इस निज़ाम को लपेटा जा सकता है। मुख्तसर सी बात यही है, और अब इस जो लगता यूँ है कि ये हुकूमत जैसा कि पिछले 17 माह में पकड़ दक्कड़ मार दाड़, अब जैसे कि पीटीआई के कारकुनान की फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, उससे ही निज़ाम चलाना चाहते हैं। उसी निज़ाम के तहत, उसी फार्मूले के तहत क्या जो छः जज साहिबान हैं इनको भी निशाना बनाया जाएगा, इनको भी दबाया जाएगा,
और क्या इनको दबाने के बाद हालात संभल जाएंगे या मजीद जज साहिबान जो हैं वो भी अगर इस्तीफे देना शुरू कर दें तो फिर इस मुल्क का निज़ाम जो है वो चलेगा या लपेटा जाएगा। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अब इन जज साहिबान के जो ख़त हैं, अब वकला बरादरी सारी बार कौंसल्स पाकिस्तान की जो है, इस्लामाबाद का बार कौंसल, लाहौर बार कौंसल, कराची बार, सब की सब ने एक एका कर लिया है। ऐसे ही जैसा कि चौधरी एतजाज एहसन साहब कहते हैं, जनरल मुशरफ ने इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनको मजबूर किया था कि स्टेप डाउन, रिज़ाइन करो और जाओ। तो इफ्तिखार चौधरी साहब डट गए थे, उन्होंने कहा था नो, मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा। फिर उसकी उस नो के साथ पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने जिस कदर बड़ा एक समंदर था उन्होंने उनको बहाल करवाया, उन्हीं जनरल मुशर्रफ से बहाल करवाया। और वो नहीं, वैसा ही माहौल अब चौधरी एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि सारे वकला उसी तरह का समंदर बनकर सड़कों पर आएंगे। ये तो वकला की बात है। मौलाना फजल रहमान जो है, जिनका वकला का आपको मालूम है, ताकत का आपको अंदाज़ा है, मौलाना फजल रहमान साहब के जो फॉलोअर्स हैं आपका उनको भी अंदाज़ा है, को जो बैठ जाए तो उठते नहीं है, फिर जिस जगह धरना दे दें और जो बात कर दें फिर उससे पीछे भी नहीं हटते। तो उन्होंने कहा है कि अब हम अदालत में इंसाफ लेने नहीं जाएंगे, इंसाफ अब अवामी अदालत सड़कों पर लगेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि अब फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं, वो अब सड़कों पर करूंगा मैं। और उन्होंने कहा मैं इस दो नंबर हकूमत को नहीं मानता, इस जैली मैंडेट वाली हकूमत को नहीं मानता, ये फॉर्म 47 वाली हकूमत को मैं हरगिज़ नहीं मानता। और मैं अपने कारकुनों के साथ ईद के बाद जो है वो बलूचिस्तान से आगाज़ करने का जो उन्होंने ऐलान किया जी, वहाँ से काफ़िले लेकर निकलेंगे। और ये तो मौलाना फजल रहमान है, पीटीआई के कारकुनान क्या किसी से कम हैं? किसको नहीं मालूम कि कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं, मगर पकड़ दक्कड़ का सिलसिला अभी जारी है जी। इस पकड़ दक्कड़ से अगर आप पीटीआई को नहीं दबा सके, बल्ले का निशान वापस नहीं ले सके, वापस लेने के बाद भी उनको हरा नहीं सके, तो इस पकड़ दक्कड़ के नतीजे में कुछ हासिल नहीं हुआ, नुकसान हुआ, पाकिस्तान को मजमू तौर पर नुकसान हो रहा है। इस इकतदार की जंग ने पाकिस्तान को जो है वो हिला के रख दिया है। आप भारतीय वजीर दफा की बातें कल सुनी, मैंने जिक्र किया था, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहते हैं हमें जंग करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा दिन हो और कि हम सब पाकिस्तान के मुहाफिज़ हैं जी, पाकिस्तान तबाह कैसे हो सकता है, इस्लामी इस्लाम के नाम पर बनाया गया मुल्क है। तो नाज़रीन इकराम, अब पीटीआई जो है उसके भी जो लाखों लोग हैं वो भी सड़कों पर होंगे, और फिर जमात इस्लामी अपने ग्रीवियंसेस रखती है, वो अपने कारकुनान को लेके जब निकलेगी तो निज़ाम कैसे चलेगा, इस निज़ाम को क्या इतनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से निकले हुए लोगों को लाठी गोली डंडे और गैस शेल्स और इससे डराया जाएगा या वो डर जाएंगे? निज़ाम जो है अब उनके हाथों में, जो इस वक्त बैठे हुए हैं 17 माह पहले भी बैठे रहे, और अगर वही फार्मूला लगाया जाता है जजिस पर भी और फिर दोबारा आवाम पर भी, तो क्या ये निज़ाम चल पाएगा? क्या पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा? क्या माशी तरक्की हो जाएगी? क्या हमारी सरहदें महफूज हो जाएंगी? क्या दहशत गर्द हमले ख़त्म हो जाएंगे? अगर निज़ाम इंसाफ को इस तरीके से दबाया गया, इस निज़ाम में जो इंसाफ बांटने वाले लोग हैं वो ख़ुद इंसाफ मांगने के लिए दर दर फिरेंगे, तो नाज़रीन फिर आम आवाम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।